रहीम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। द कोर्स कोड ऑफ द सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इज PHYS 3134। दिस कोर्स इज ऑफ 3 credit और एंड द कोर्स आउटलाइन इंक्लूड the special diode, the transistor circuits and DC bias for transistor, and then field effect transistor, and then operational amplifier, and the last content of this course is frequency response RC amplifier and oscillator. The main reference book of this course is the electronic device in conventional current version. Let's start our lecture. Electronics हम start करते हैं from very beginning, from the atom. What is एटम? एटम क्या चीज़ है? जैसा कि हम सबको पता है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर डेट हैव इट्स ओन आइडेंटिटी। दुनिया का सबसे छोटे से छोटा ज़र्रा जिसकी अपनी एक पहचान होती है, इसको हम एटम कहते हैं। वैसे तो एटम से भी छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। एटम के अंदर ही एटम एक पार्टिकल है। एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लाइक इस तरह के छोटे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन एटम एक वो छोटे से छोटा ज़र्रा है जिसकी अपनी एक पहचान होती है, इसको हम एटम कहते हैं। एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। सारी कायनात जो है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। मुख्तलिफ किस्म के एटम्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन उनकी प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ये हम आगे फर्दर देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कभी। एटम होता क्या है? एटम की डेफिनेशन के बारे में तो हम सब ने देखा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। एटम के अंदर अगर हम देखें, दिस इज द पिक्चर ऑफ द एटम। इफ वी सी इनटू द एटम तो हमें ये नज़र आ रहा होता है कि एटम के दरमियान में ये देखें, दरमियान में एटम के दरमियान में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और बाकी एटम का हिस्सा जो है वो खाली है। तो एटम का सारा मैस जो है वो उसके सेंटर में मौजूद होता है। एटम बेसिकली 3 basic पार्टिकल्स में मुश्तमिल होता है। द वन इज प्रोटॉन, द वन इज न्यूट्रॉन एंड द वन इज इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर These are the 3 elementary particles. Protons are the positive charge particles. Electrons are the negative charge particles. And neutron have no charge. आम तौर पर यह समझा जाता है कि nucleus of atom is the brain of the atom. कि ये जो nucleus है, this is the brain of the atom. न्यूक्लियस रिएक्ट करता है, नहीं करता, इसको कोई रिएक्शन करना है, नहीं करना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है, नहीं छोड़ना, दिस ऑल आर डिसाइडेड बाय द पावर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिकल्स हैं वो इसके सराउंडिंग पे मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स साइज़ में जो है वो बहुत ही स्मॉलर, छोटे होते हैं।
एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूक्लियर न्यूट्रॉन्स। आमतौर पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन, फिर बता रहा हूँ, इज अ स्मॉल पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस की सराउंडिंग में मूव कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बिल्कुल ऐसे मूव करते हैं जैसे कि ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही होती है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके गिर्द घूमते हैं। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर चूँकि न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, अब न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन जो पड़े हैं उसके साथ प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, तो चूँकि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही मौजूद है इसलिए ओवरऑल न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स। और जैसे कि ये पिक्चर से भी हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि सारे तकरीबन पूरे एक एटम का जितना भी मैस है वो सारे का सारा न्यूक्लियस में है। सो मैक्सिमम मैस ऑफ द एटम वो इसके न्यूक्लियस में होता है। डेंस होता है न्यूक्लियस एंड इट कंटेन्स नियरली ऑल द मैस ऑफ द एटम इन अ टिन स्पेस। बहुत ज़्यादा गफ होता है। एंड व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल एंड लाइट एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो ये इलेक्ट्रॉन्स ही ज़्यादातर इसमें हिस्सा लेते हैं। Found thinly spread around the outside of the nucleus, orbiting in layers called shells. अब यहाँ पर ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं thinly मतलब बहुत ही दूर दूर न्यूक्लियस के गिर्द घूम न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, और जिस मदार में ये घूम रहे हैं इस मदार को, इस लेयर को हम कहते हैं शेल। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस लेयर में घूम रहा है, ये देखें, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी घूम रहा है। तो ये जो रास्ता है, दिस इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड शेल। सिमिलरली दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शेल। ये भी शेल है, ये भी शेल है। ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में पहला शेल है और उसके बाद ये दूसरा शेल है। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एक एटम में दो ही शेल हों, दो तीन चार पाँच, ये इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एटम। दो शेल भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटम की नेचर क्या है। अब सिर्फ स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ये एक एटम की डायग्राम बनाई है। इस एटम में दिस इज द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल एंड this is the third shell. So we all know that the electron revolve around the nucleus at a specific distance and at a specific energy level. ek khas level pe ek energy ke midar mein electron jo hai wo move kar raha hota hai. we all know that. is madar ko hum kehte hain shell. dekhen यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसको भी हम कहते हैं कि शेल है। यहाँ पे भी मूव कर रहा है एंड द सेम इज साइड। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात समझाने के लिए एग्जांपल देने एग्जांपल देते हैं टीचर्स। मैं तो ज़्यादातर ये एग्जांपल देता हूँ, इट्स जस्ट ओनली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।
ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर डेट कि पूरे एटम पे ये न्यूक्लियस जो है ये हुकूमत करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चूंकि साइज में छोटे होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस से कम एनर्जी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम होती है वो न्यूक्लियस के करीब मूव करता है, या आप ये समझ लें कि न्यूक्लियस इज़ द बॉस एंड इलेक्ट्रॉन इज़ द सर्वेंट ऑफ दिस बॉस। और ये न्यूक्लियस हमेशा ये चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूमता रहे और इसकी गुलामी करता रहे। हमेशा ये न्यूक्लियस चाहता है कि इलेक्ट्रॉन इसके साथ रहने पे मजबूर रहे। न्यूक्लियस ऑलवेज वांट टू बाउंड द इलेक्ट्रॉन अराउंड इट। तो और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कोशिश ये होती है कि वो न्यूक्लियस के गिर्द ना घूमे, इसकी गुलामी ना करे, इसे दूर भाग दे। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस से दूर भागना चाहता है और न्यूक्लियस हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ताकत कम होती है वो न्यूक्लियस के करीब चला जाता है और उसके करीब होके उसकी सराउंडिंग में हरकत करने लग जाता है, मूव करता है इन ऑर्बिट्स। और वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर रह के ज़िंदा रहना चाहता है। सो द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग लोअर एनर्जी ऑलवेज रिजाइड नियर द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग हाई एनर्जी ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है, लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन ये इस ऑर्बिट में रहे, किसी भी कंडीशन में अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ से धक्का लगे, ये अंदर आए, तो ये ज़्यादा एनर्जी लेवल वाले शेल से कम एनर्जी लेवल वाले शेल की तरफ मूव कर रहा है। लेट्स सपोज फ़र्ज़ कर लेते हैं, इट्स जस्ट ओनली द सपोजिशन, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर इस एक इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो और ये एनर्जी लेवल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी लेवल है और ये एनर्जी लेवल जो है ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल वाला लेवल है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले लेवल से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले लेवल पे चला जाता है, किसी भी कंडीशन में कोई इसे फोर्स करता है या न्यूक्लियस इसे खींच लेता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाता है तो इसमें से जो डिफरेंस आता है एनर्जी लेवल का, उतनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। हाई एनर्जी लेवल अभी हमने एग्जांपल में देखा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और लोअर एनर्जी लेवल था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी लेवल से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी लेवल पे जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड।
अगर एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाएगा तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल देन एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपको पता चल गया। इफ यू आर रेडी देन आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू दैट द क्वेश्चन इज दैट इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल that is of 5 electron volt and jumps from high to low energy level that is 3 electron volt how much energy will released students let think about it एनर्जी रिलीज्ड कितनी होगी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इस एग्जांपल में हायर एनर्जी लेवल क्या था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड माइनस एंड द लोअर एनर्जी लेवल क्या था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो हाउ मच एनर्जी विल रिलीज दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So, 2 electron volt energy will released in this example. So, students, वो तो एक example थी just आपको समझाने के लिए कि if an electron jumps from higher energy level to lower energy level, then it will emit some amount of energy. And same, if an electron absorbs some amount of energy, अगर कोई electron यहाँ इस shell में पड़ा हुआ दूसरे shell में पड़ा हुआ है ये जो दूसरा shell है अगर कोई electron ये दूसरे shell में पड़ा हुआ है कहीं से भी heat energy, light energy, sound energy, some sort of energy, if an electron absorbs some amount of energy तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी इट विल जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर शेल। इफ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी What will happens? Obviously, it will move away from the nucleus. Obviously, it will move away from the nucleus. So, students, जैसे जैसे हम nucleus से
दूर होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जिस शेल में या जिस मदार में मूव करते हैं वो उसका शेल होता है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। तो हम कह सकते हैं कि पहले शेल की एनर्जी कम है, दूसरे शेल की एनर्जी ज़्यादा हो गई है और तीसरे शेल की एनर्जी और ज़्यादा हो गई है। तो आप ये देखें कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, शेल की एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये देखें, पहले शेल की एनर्जी और दूसरे शेल की एनर्जी, पहले शेल की एनर्जी कम है, दूसरे शेल की एनर्जी ज़्यादा है, तीसरे की उससे ज़्यादा और चौथे की उससे ज़्यादा। ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होती जाती है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इट विल मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड इफ़ एन इलेक्ट्रॉन कम टुवर्ड द न्यूक्लियस इट विल इमिट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एनर्जी लेवल। अभी स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें। हम ये देखते हैं कि कोई भी एक एटम हो, उसका कोई तो साइज़ होता है भाई, कोई तो साइज़ होता है इलेक्ट्रॉन का, सॉरी एटम का, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा, पांचवा, कोई तो साइज़ है। तो जो सबसे आखर वाला जो शेल होता है, इस शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द वैलेंस शेल। ये देखें, ये एक एटम है, इसका सबसे आखिर वाला जो शेल होगा इसको हम कहेंगे वैलेंस शेल। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर शेल में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो द आउटर शेल इज कॉल्ड द वैलेंस शेल एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन एंड एन अनदर एटम। ऑक्सीजन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पहले शेल में आ गए, और जो आखर्ष वाला शेल जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सो ऑक्सीजन हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कम टूवर्ड्स अनदर एग्जाम्पल ऑफ नियॉन एटम। नियॉन एटम में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन आर 6 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नियॉन आर 8। सो स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ थोड़ा सा इस बात पे गौर करें कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, इफ़ एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो कहाँ जाएगा? तो क्या होगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा सा मज़ीद दूर चला जाएगा, न्यूक्लियस की फील्ड से मज़ीद दूर हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की फील्ड से दूर चला जाए, या द इलेक्ट्रॉन डेट फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियर फील्ड, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की फील्ड से बहुत ज़्यादा दूर चला जाए, बाहर चला जाए, या जिस पे न्यूक्लियस की फील्ड कम इफेक्ट करती है, डेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है,
अगर कोई आपसे पूछ ले डेट व्हाट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आप उसे बताते हैं द फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, और इस पे कोई न्यूक्लियस की फील्ड इफेक्ट नहीं करती। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है अगर न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो गया तो अब ये कहाँ जाएगा? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब तक इस फ्री एक इलेक्ट्रॉन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती किसी दूसरी जगह जाने की, ये उसी एटम के गिर्द घूमता रहता है और अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन का शेल बना लेता है। द शेल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे पूछ ले डैट व्हाट इज़ कंडक्शन शेल, तो आप उसे बताएंगे कि शेल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। सो शेल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंडक्शन शेल। एंड व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? द इलेक्ट्रॉन डेट फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस फील्ड। तो स्टूडेंट्स, आप हमेशा इस बात को याद रखना कि फ्री इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन डेट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द शेल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन शेल। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस डिस्कशन में हमने सबसे पहले देखा कि व्हाट इज़ एटम, एटम क्या होता है, उसके बाद एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एटम, तो आज हमने देखा कि व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है, व्हाट आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एटम, व्हाट इज शेल, व्हाट इज वैलेंस शेल, व्हाट इज कंडक्शन शेल, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी व्हाट विल हैपन, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी व्हाट विल हैपन। स्टूडेंट्स, इनको अच्छी तरह से जहन में रखना। स्टूडेंट्स, द रेफरेंस बुक ऑफ टुडेज लेक्चर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाय थॉमस एल फ्लॉयड। तो इसका हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट, एज अ हेल्पिंग मटेरियल आप ये बुक देख सकते हैं, इसमें एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आप रीड आउट कर। तो इस बुक की चैप्टर नंबर 1 को हमने देखा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में वाज़े मिल जाएंगी। दिस इज द चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स शेल, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ये वैलेंस शेल आयोनाइजेशन, इसको स्टूडेंट्स अच्छी तरह से रीड आउट करेंगे और इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।